अंगद, हम ना सृष्टि से बहुत प्यार करते हैं। I really love her। तो तुम ना तोड़ दो ये रिश्ता। आंटी जी, हम सार्थक, बहुत जरूरी बात थी जो करनी थी आपसे। जिस लड़की के बारे में हम आपको बता रहे थे ना, वो कोई और नहीं है, वो सृष्टि है। बता, अंगद मेरा लाडला है। मैंने ना उसे हर चीज बेस्ट से बेस्ट दी है। उसके लिए कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है मैंने। तुम भी मत करना। तुम्हारे मन में कोई भी बात हो ना, खुलकर मुझसे कहना। कभी भी कोई बात छिपाना मत। अंगद, हम ना दृष्टि से बहुत प्यार करते हैं। विनती करते हैं तुमसे, तो तुम ना तोड़ दो ये रिश्ता। अंगद, इतनी रात को क्या कर रहे हैं गार्डन में? अंगद, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई? हम दरअसल पहले पापा से मिलने गए थे। वहां से निकले तो स्टडी रूम में माँ थी, उनसे मिल लिए, और वहां से निकले तो आपको यहाँ खड़ा देखा, इसीलिए आ गए। माँ अभी तक स्टडी रूम में क्या कर रही है? वो आपको कल पता चलेगा। आई मीन सरप्राइज है, कल पता चलेगा। अच्छा, माँ ने भी सरप्राइज प्लान किया है? माँ ने भी मतलब आपने भी सरप्राइज प्लान किया है? बताइए ना हमें, क्या है सरप्राइज? अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज कैसे रह जाएगा? राइट। कल सुबह तक वेट करो, सरप्राइज खुद ब खुद सामने आ जाएगा। बहुत रात हो चुकी है ना, चले सोने। सृष्टि, ये हमारे कोर्टशिप की आखिरी रात है। स्टे बैक, थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना मेरे साथ। माँ ने देख लिया तो? इट्स ओके, शी'ल अंडरस्टैंड। ठीक है। कुछ नहीं, आपकी स्माइल, लगता है सरप्राइज की बात सुनकर आपकी शादी की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स, एक तो माँ के सरप्राइजेस इतने यूनिक होते हैं, और फिर कल से हम ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। मेरी एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुनी हो गई। यू नो, I'm so happy। कल से मेरी लाइफ बदलने वाली है, जिंदगी को एक नया मकसद मिल रहा है। अगर आपको अपना प्यार मिल जाए ना, तो ये उसकी मेहरबानी होती है। थैंक यू कि तुमने मुझे इस लायक समझा, अपना साथ निभाने का मौका दिया। तुम कुछ नहीं कहोगी?
एहसास कहकर ही बयां नहीं किया जाता। कुछ एहसास खामोशी में भी बहुत सुकून दे जाते हैं। You know what? ये रात मेरी जिंदगी की बेस्ट रात है। क्या? कुछ नहीं, हम सोच रहे हैं कि आप कल शादी वाले दिन भी यही कहेंगे। कल की ही क्यों? अब तो सारी रातें मेरी जिंदगी की बेस्ट रातें होने वाली, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। देर हो गई है ना? आई थिंक हमें सोने चलना चाहिए। शादी के पहले की आखिरी रात है, मन में तो गोलगप्पे फूट रहेंगे उसके, जिसकी कड़वाहट का स्वाद हमारे मुंह में आ गया है। अभी तो कुछ मीठा खाना ही पड़ेगा। पप्पा कहते हैं ना, कड़वे मुंह से सिर्फ कड़वी बातें निकलती है। मिठाई? वो मिठाई खाकर क्या करेगी? हम ही खा लेते हैं। अंगद, आपको कुछ कहना है हमसे? नहीं, तुम्हें कुछ कहना है? एक्चुअली हमें कुछ कहना है आपसे। वो आज जब हम माँ से बात कर रहे थे, तब हमें रियलाइज हुआ कि बहुत विश्वास करती हैं वो हम पर, बहुत भरोसा करती हैं, बहुत उम्मीदें हैं उन्हें हमसे, हमारे रिश्ते से। वो चाहती हैं कि उनका और हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ हो, यू नो, शीशे की तरह साफ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, मगर सिर्फ तब जब हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए।
पर अंगद, हमने उन्हें अपनी सच्चाई ना बताकर उन्हें एक तरीके से धोखा ही तो दिया है। अभी तक उनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता और हमें बहुत बुरा लग रहा है ये सब सोचकर। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं सही मौका मिलते ही उन्हें सब कुछ बता दूंगा। Don't even think about it. अभी ये सब सोच के अपनी शादी से पहले की आखिरी रात का एक्साइटमेंट मत खराब कर लेना। आपको भी कुछ कहना है ना हमसे? एक्चुअली वो मैं सार्थक के बारे में सोच रहा था। क्यों? उसने आपसे कुछ कहा क्या? नो, नथिंग। तो हमारी तो इस बारे में बात हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो गया है ना, तो आप अब भी उसके बारे में कल्याणी दीदी का फोन। हेलो कल्याणी दीदी, आपने इतनी रात को कैसे फोन किया? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे हाँ सृष्टि, अरे सब कुछ ठीक है। वो कल तुम्हारी शादी है ना, तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही हमें, तो हमने सोचा कि तुमसे थोड़ा बतिया ले। जी बोलिए ना। आज तो तुम्हारी शादी के पहले की आखिरी रात है, अब अंगद के लिए तो नया अनुभव है ना, वो तो खुशी के मारे नाच रहा होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो दूसरी बार है ना। याद है ना पिछली बार उस संगीत का जो रिहर्सल चल रहा था, उस वक्त कैसे पैर फिसल के गिर गई थी, टांग टूट गई थी ना तुम्हारी। भगवान ने तो दूसरा मौका दिया है तुम्हें, तो कैसे लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कल्याणी दीदी, वैसा ही जैसा पहली बार लगता। कि भले ही हमारी दूसरी शादी है, अगर ये रिश्ता हम अपने पूरे दिल से जोड़ रहे हैं कल्याणी दीदी। पूरे मन से हम अंगद के साथ रहना चाहते हैं। ये रिश्ता जोड़कर हम अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे, बल्कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसीलिए इस शादी को लेकर जितने एक्साइटेड अंगद है, उतने ही एक्साइटेड और खुश हम भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ही, हमें भी लगा था तुम बहुत ही खुश रहोगी। हाँ बढ़िया है, खुश रहो। जी ऐसे मेहंदी की रस्म कैसे रही? वो इतने बड़े लोग हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ होगा, नहीं? जी दीदी, मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा रहा और हमारी मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा है। की भी सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही और सृष्टि, अरे रुको ना एक मिनट, वो हमारी फोन की बैटरी है ना, वो कम हो रही है, हम तुमसे बाद में बतियाते हैं। और सुनो, कल के लिए ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। हम तो सोचे थे सृष्टि का मूड खराब करके चैन की नींद सोएंगे, पर इसने तो हमारी 6 महीने की नींद खराब कर दी। हमारे होते हुए तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकती सृष्टि, तुम्हारी शादी किसी भी हालत में नहीं होने देंगे हम।
Now tell me quickly, where are you? क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं दो मिनट में तुम्हारी लोकेशन जान लूंगी। और सृष्टि का घर मेरे सामने ही है। So tell me yourself, where are you? Okay, fine. हम सृष्टि और अंगद की शादी में, अंगद के घर पर। क्या? तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? रात हो गई, तुम जाके आराम कर लो। जी, आप भी। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ हो? मैं कल रात से तुम्हें कॉल करी और तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो, और ना ही तुम घर पर हो। Where are you? हम लखनऊ आ गए थे, अचानक से कोई काम था इस वजह से। लखनऊ क्यों? वहाँ पर तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है और कोई अपकमिंग मीटिंग भी नहीं है। अब वो यूएस वाले मिस्टर स्मिथ है ना, वो कानपुर आने वाले थे तो उनका कानपुर आना कैंसिल हो गया। उन्होंने बोला लखनऊ आ जाए, तो इसीलिए हम लखनऊ चले गए उनसे मिलने। लेकिन मिस्टर स्मिथ के ऑफिस से कल शाम को ही मीटिंग कैंसिलेशन का कॉल आ गया था। हाँ, वो कैंसिलेशन हो गया, लेकिन उसके पहले हम जल्दबाजी में निकल गए थे ना। दिस इज इट सार्थक, क्योंकि मिस्टर स्मिथ के यहाँ से कभी कोई कॉल आया ही नहीं था। Now tell me quickly, where are you? क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं दो मिनट में तुम्हारी लोकेशन जान लूंगी। और सृष्टि का घर मेरे सामने ही है। So tell me yourself, where are you? Okay, fine. हम सृष्टि और अंगद की शादी में, अंगद के घर पर। क्या? तुम वहां पर क्या कर रहे हो? इनवाइट किसने किया तुम्हें वहां पर? वो तुम्हें समझाना हम जरूरी नहीं समझते। सार्थक, तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं मायर, कुछ नहीं चाहते हम। How dare you talk to me like that, सार्थक? Don't you know who I am? I know who you are. पर बार बार ये मैं डोमिनेट करना बंद करो तुम। हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारी हर बात मानते रहेंगे। सार्थक, तुम याद है, माँ हमारे लिए एक साड़ी लेकर आई थी बनारस से। हमने सोचा है कि आज हल्दी के फंक्शन में हम वही साड़ी पहनेंगे। दिखाओ मुझे। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। सृष्टि, थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। माँ ने कहा है तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ठीक है? जी भाभी।
क्या कर रही हो? वो आपको याद है माँ हमारे लिए एक साड़ी लेकर आई थी बनारस से? Yes, of course याद है। हमने सोचा है कि आज हल्दी के फंक्शन में हम वही साड़ी पहनेंगे। क्या बात है, अभी से माँ को इंप्रेस करने की तैयारी। Very nice. दिखाओ मुझे। हम दिखाते हैं। ये देखिए, अच्छी है ना? Very nice. अच्छी है ना? बहुत अच्छी। क्या हमारी साड़ी फट कैसे गई? ऐसी ले जाकर घर पर रख दी थी और आज खोली है। किसने किया होगा? अंगद, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं सृष्टि, कोई दूसरी साड़ी पहन ले। हमारे पास नहीं है कोई और साड़ी, हम बस यही लेकर आए थे और इतने एक्साइटेड थे इसे हल्दी में पहनने के लिए। कुछ भी कैजुअल पहन लो, हल्दी का ही तो फंक्शन है। हरी जी, छोटी मालकी, हल्दी के कटोरे कहाँ हैं? फटाफट लेके आओ। जी मालकी, अभी लाया। ये हरी बीना